यूपी के कन्नौज में जिला पंचायत राज कार्यालय में सफाई कर्मी और अधिकारी मिलकर सरकारी पैसों की बंदर बांट कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक प्रधान कई महीनों से नहीं आ रहे सफाई कर्मी की शिकायत लेकर अधिकारी के पास पहुंचे, जहां उसे पता चला कि सफाई कर्मी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी साइन कर हर महीने वेतन ले रहा है। फर्जी साइन देख प्रधान के होश उड़ गए। उसने आनन फानन में अधिकारियों से इस फर्जीवाड़े की शिकायत की। तो लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, सफाई कर्मी एक बार भी नहीं, कई बार भी DPRO साहब को अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई भी समाधान नहीं हुआ। और आज तक सफाई कर्मी गांव के अंदर स्कूल तक आता है सिर्फ, वह स्कूल के बाद में गांव तो उसने देखा ही नहीं कि कहां पर गांव है। तो तनख्वाह निकल रही है उसकी? क्या तनख्वाह? फोर्जरी करके कहीं टीचर अपना निकलवा देते हैं, कहीं कोई निकलवा देता है। हमने उसके पेरोल 6-8 महीना होने जा रहे हैं, एक पेरोल पर हमने दस्तखत ही नहीं किए। वहीं जब इस बारे में अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक और सफाई कर्मचारी वहाँ आता है ना आता है, तो दोनों की पे रिक्विजिशन से मैंने मिलान किया है। उसमें ये आया है कि जो दोनों सील लगे हुए हैं गांव पंचायत की, वो अलग अलग सील हैं प्रधान की। तो प्रधान जी से ये पूछना है कि क्या आप दो सील प्रयोग करते हैं कि एक, और प्रधान जी से सील की मतलब क्लेरिफिकेशन हो जाए कि आप दो कर रहे हैं कि एक ही। यदि एक सील प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरे का जो प्रयोग किया गया है ब्रजेश वाली में, तो फिर हम जांच के बाद में तत्काल कार्रवाई करेंगे। मामले के खुलासे के बाद जिला पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस सफाई कर्मी ने अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया है उन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। कन्नौज से नित्या मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी।